हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में ग्राम मलकूल और ग्राम आयन की चर्चा कर देंगे। विद्यार्थियों, ग्राम मलकूल और ग्राम आयन पढ़ने से पहले मलकुलर वेट और आयनिक वेट कैसे निकाला जाता है वो हम बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट या इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट और एम से भी डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स होता है सभी एटम्स के एटॉमिक वेट का सम ले लेते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, वन मॉलिक्यूल में जितना एटम उपस्थित होता है उस सब का एटॉमिक वेट का हम क्या ले लेते हैं? सम ले लेते हैं, जोग ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस सब का एटॉमिक वेट हम जोड़ेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ जो है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट हमने लिखा है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 जोड़, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो 16 प्लस 16 यानी ऑक्सीजन 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 16 प्लस 16। तो चूँकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 44। तो मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 आया। मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 प्लस, कार्बन का 12 प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 16 × 3 48 12 60 और 40 ये 100 हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट 100 आया। मॉलिक्यूलर वेट H2O का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है तो 1:2 प्लस 16 ये 18 हुआ। मॉलिक्यूलर वेट C6H12O6 कार्बन का एटॉमिक वेट 16 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट, अब 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 180। इसको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं C12H22O11, ये शुगर है, इसे सुक्रोज बोलते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट कार्बन का 12 × 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट
16 इंटू 11, ये सबको जो है आप जोड़िएगा तो 342 342 आता है। मल्कुलर वेट H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 × 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर है, इसका एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 4 एटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 32 96 2 98 मल्कुलर वेट। मल्कुलर वेट BaCl2 2H2, इसका मल्कुलर वेट हम कैसे निकालेंगे? तो बेरियम का एटॉमिक वेट 137 और प्लस क्लोरीन का 35.5 × 2 और प्लस वाटर का डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 और 16 18, तो 2 times है 18 × 2, तो ये आ जाता है 137 + 71 + 36, इसको हम ऐड करेंगे 4 4 2 4 4 6 7 7 14 4 7 11 3 14 4 1 1 2, तो इस तरह जो है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं। उसमें मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि कितना एटम्स हैं, सबका एटॉमिक वेट को ऐड कर लेते हैं तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। अब यहाँ पर देखें मॉलिक्यूलर वेट ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, चूँकि एटॉमिक वेट यूनिट लेस क्वांटिटी है तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट हम जब निकालेंगे जब ऐड करेंगे तो ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को AMU में लिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा? एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, इसमें हम चेंज करेंगे। ये लेक्चर 2 में इसको बताया गया है, एक्सप्लेन किए हैं विद्यार्थियों, आप लोग लेक्चर 2 देख लीजिएगा, NCM क्लासेस बाय नसीम अहमद। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 में इसको हम जो है एक्सप्लेन की हैं, डीपली एक्सप्लेन की हैं, ये देख लीजिएगा तो आसानी से हम इस क्लास में जो हम बताएंगे ये जो टर्म आएगा उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। एक लेते हैं इसमें जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो ये होता है 44, ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अगर इसे AMU में लिखते हैं 44 AMU, तो जब भी हम AMU में लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा और वह रिलेटिव मास होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल को AMU में हमने मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिख दिया तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, रिलेटिव मास होगा। अगर एटम होता है उसके एटॉमिक वेट को AMU में लिखते हैं तो एक एटम का मास होता है। मींस
अगर MeU में अगर हम लिखते हैं तो एक पार्टिकल का मास होता है, वह रिलेटिव मास होता है। तो यहाँ मलकुलर CO2 चूँकि मलकुल है, इस मलकुलर वेट 44 आया है, तो 44 को हमने MeU में लिखा है। तो ये जो है जब भी MeU में लिखेंगे तो ये एक मलकुल का मास होगा, तो ये हम लिखते हैं मास ऑफ वन CO2 मलकुल, मास ऑफ वन CO2 मलिकूल, ये 44 AMU, ये रिलेटिव मास हुआ। चूँकि हम कंपेयर कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेक्चर 2 में हम बताए हैं तो उसमें हमने देखा बताया है कि ये कार्बन से हम जो है कंपेयर करते हैं, यानी CO2 के एक मलिकूल का मास 44 टाइम्स हेवियर होगा किसके, 1 AMU, मीन्स 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12SO2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, द मास ऑफ वन मलिकूल ऑफ CO2 इज 44 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये चूंकि ये रिलेटिव मास है तो हमने इसको लिखा कि एक मॉलिक्यूल का मास 44 गुना भारी होगा किसके, कार्बन के एक एटम के मास के बारहवें भाग से। तब रिलेटिव मास को हम एब्सोल्यूट मास में चेंज कर देंगे तो MeU का वैल्यू अगर रख देते हैं तो एब्सोल्यूट मास निकलेगा, तो मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल तो 44 × 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये आपका एब्सोल्यूट मास हुआ, ये एब्सोल्यूट मास। तो इस तरह हमने मॉलिक्यूलर वेट को MeU में और रिलेटिव एब्सोल्यूट मास निकाल कर देखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 तो ये होता है 32, एक नंबर है, हमने MeU में इसको लिखे 32 AMU। तो जब भी MeU में लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये 32 MU होगा। MeU का वैल्यू अगर रख देते हैं, ये रिलेटिव मास है, अब इसका वैल्यू रखते हैं तो 32 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास हुआ। अब एक्सप्लेन करते हैं ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मास, दोनों एक ही चीज है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट फॉर्म में GMW, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर मॉलिक्यूलर वेट को
ग्राम में लिखा जाता है तो उसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज रिटेन इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूल 1 अलग है, इसको हम पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कितना है, 1 है, या इसको GMW भी कहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट को हमने किस में लिखेंगे, ग्राम में, तो ये हो जाता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, H2O का मॉलिक्यूलर वेट ये 18, ये नंबर है, हमने इसे ग्राम में लिख दिया 18 ग्राम, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये तो नंबर है, ये वेट को सूचित कर रहा है 18 ग्राम। जब ये मॉलिक्यूलर वेट को हमने ग्राम में लिख दिया तो ये होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 या इसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 18 ग्राम। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 18 ग्राम या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 18 ग्राम। अगर 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 1 ग्राम में 18 ग्राम है तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना होगा, 36 ग्राम, डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो इस तरह इस पर एक फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम गिवन दिया रहेगा बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ये वैल्यू अगर रख देते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 होता है, तो अगर इसको हमने ग्राम में लिख दिया तो ये बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट को हमने ग्राम में लिख दिया। अगर कहीं दिया रहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, किसी का दिया है ग्राम मॉलिक्यूलर, ये दिया है 18, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ये 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट को किस में है लिखना है, ग्राम में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अगर 18 ग्राम दिया है तो पूछा जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो हमने ग्राम को हटा देंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18। अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो उसको हम ग्राम लगा देंगे तो 18 ग्राम, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। तो इस तरह मॉलिक्यूलर वेट अगर दिया रहता है तो ग्राम में, अगर मॉलिक्यूलर वेट एक नंबर है, अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा
तो ग्राम को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मोलकुलर वेट मिल जाता है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन, एम ए है 74 ग्राम CaOH होल, बी है 20 ग्राम NaOH। इसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, जबकि जो है ये CaOH होल टू, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका वेट दिया है 74 ग्राम। तो चूंकि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल में वेट मॉलिक्यूल का ये तो दिया है, हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल का ये CaOH होल टू का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, दोनों को वैल्यू रखकर हम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो है वेट ऑफ CaOH होल टू कैल्शियम ऑक्साइड, इसका वेट दिया है 74 ग्राम, हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH होल टू इसका आ जाता है, कैल्शियम का 40 होगा आप प्लस ऑक्सीजन 16, एक हाइड्रोजन 17, टू टाइम्स कर देंगे 17 इंटू 2 34 और 40 ये 74। इसलिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल इसका 74 ग्राम बाई, अब मॉलिकुलर वेट को ग्राम में लिखना है तो ये 74 ग्राम दिया गया, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिकुल कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिकुल निकालेंगे, तो ये जो है वेट ऑफ मॉलिक्यूल माने वेट ऑफ NaOH ये 20 ग्राम हुआ, अब बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH, तो NaOH का मॉलिकुलर वेट ये हो गया 23 और 16 प्लस 1 ये जोड़ेंगे तो 40 आ जाएंगे। तो मॉलिकुलर वेट को ग्राम में लिख देना तो ये 40 ग्राम, तो ये हो गया हाफ यानी 0.5 आंसर। देखिए विद्यार्थियों, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट आता है 100, नंबर है यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर मॉलिकुलर वेट को हम एमयू लिखते हैं यानी 100 AMU, तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट को MU में लिख दिया तो ये हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। इस मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखे 100 ग्राम, तो इसे हम बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया था ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसे 1 मोल CaCO3 बोलेंगे, क्योंकि आगे हम बताएंगे
एक मोल CO3 अगर ले लेते हैं तो उसमें आएगा 100 ग्राम आता है, तो एक मोल CO3 100 ग्राम आता है, तो 100 ग्राम को 1 मोल भी बोलेंगे CO3। इसी को हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ CO3, इसको भी आगे बताया जाएगा। तो देखिए अभी जो है जो पढ़े हैं हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताया, अगर उसको MU में रखते हैं तो इसको ये मीनिंग हो जाता है एक मॉलिक्यूल का मास हो जाता है, अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ तक ले तो आप पढ़े हैं, इसको आने वाला क्लास में हम बताएंगे 1 मोल भी इसको बोलेंगे और मोलर मास भी बोलते हैं। अब आयनिक वेट निकालते हैं, आयनिक वेट मीन्स आयन का वेट, आयनिक वेट। तो यहाँ इसको डिफाइन करते हैं कि एक आयन में जितना एटम्स होता है सबका एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं, जिस तरह मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया था इसमें निकाले हैं उसी तरह आयनिक वेट भी निकाल सकते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन आयन, एक आयन में जितना एटम्स होगा सबका एटॉमिक वेट को क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। आयन तो मालूम है जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव या निगेटिव, आयनिक वेट ऑफ CO3 2-, ये कार्बोनेट इसको बोलते हैं। आने वाला क्लास में चार सेपरेशन हम पढ़ाएंगे, उसमें बहुत से आयन्स होगा उसका क्या नाम होगा और उस पर कितना चार्ज होगा ये सब उसमें हम बताएंगे। ये कार्बोनेट आयन है, तो इसमें ये चार एटम्स है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन का, ये चार एटम्स है सबका एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 60 हो गया। आयनिक वेट ऑफ SO4 2-, तो सल्फर का 32 आप प्लस, ऑक्सीजन का 16 × 4 = 96। आयनिक वेट ऑफ NO3-, 14 + 16 × 3 48 और 14 जो है 62। आयनिक वेट ऑफ Al3+, ये भी आयन है लेकिन इसमें एक ही एटम है, इसके एक ही एटम है तो इसका एटॉमिक वेट को लिख देंगे, इसका एटॉमिक वेट होता है 27। आयनिक वेट ऑफ O2-, इसका एटॉमिक वेट 16 16 लिख। तो ये जो है आयनिक वेट निकालने का तरीका हो गया कि एक आयन में जितना एटम्स होगा सबका एटॉमिक वेट जोड़ देते हैं उसे आयनिक वेट कहते हैं। अब आयनिक वेट को MU में लिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, जिस तरह एटॉमिक वेट में बताएं मॉलिकुलर वेट में बताएं उसी तरह इसमें भी आयनिक वेट को MU में लिखेंगे उसका क्या मीनिंग होगा, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास कैसे हम चेक करेंगे। आयनिक वेट ऑफ CO3 2-, ये आ जाता है 60, 48 12 60, एक नंबर है
ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसको हम एमयू में रखते हैं, 60 AMU। किसी भी नंबर को, किसी भी पार्टिकल पार्टिकल के नंबर को हम एमयू में लिखते हैं, तो एक एक का मास होता है। वो पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अगर एमयू में लिख दिया, अगर इलेक्ट्रॉन का मास अगर एमयू में अगर लिख देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा। अगर आयनिक वेट अगर एमयू में हम लिख देते हैं तो वो एक आयन का मास होगा। यानी किसी भी पार्टिकल के मास, जो मास होता है उसको एमयू में अगर लिख देते हैं तो एक पार्टिकल का मास होता है और वह रिलेटिव मास होता है। तो ये जो है आयनिक वेट 60 है, हमने एमयू में इसको रिप्रेजेंट किया, तो एक आयन का मास होगा, चूंकि आयन है तो ये एक आयन का मास होगा। तो मास ऑफ वन CO3 टू माइनस आयन, एक आयन का मास। तो ये रिलेटिव मास होता है, चूंकि कंपेयर कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि मास ऑफ वन CO3 टू माइनस आयन इज 60 टाइम्स हेवियर देन किससे, इससे 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। कार्बन के एक एटम के मास के बारहवें भाग से कितना टाइम्स ये हेवियर होगा, ये 60 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो आखिर 60 टाइम्स ज़्यादा होगा तो इसका मास एक्चुअल कितना होगा, जिसको हम एब्सोल्यूट मास बोलेंगे। तो ये एमयू में है तो एमयू का वैल्यू अगर रख देते हैं तो एक मॉलिक्यूल का, एक आयन का जो है वो एब्सोल्यूट मास निकल जाता है। तो मास ऑफ वन CO3 टू माइनस आयन, एमयू का वैल्यू रख देंगे 60 × 1.66 × 10⁻²⁴। तो एक आयन का मास निकल गया और ये जो है एब्सोल्यूट मास हो, ये एक्चुअल मास है। तो हमने रिलेटिव मास को एब्सोल्यूट मास में चेंज कर दिया, एमयू का जो वैल्यू यहाँ रखकर, और एमयू में लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग है हमने दिखाया है, बताया यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल ले दिए, आयनिक वेट ऑफ L3+ ये 27 होता है, हमने इसे एमयू में लिख दिया, ये रिलेटिव मास होगा, कंपेयर कर रहे हैं। तो एमयू में जब भी लिखेंगे तो एक आयन का मास होगा मास ऑफ वन L3+ आयन। एमयू का वैल्यू हम रख देते हैं 27 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास होगा। एक अल्मोनियम आयन का मास, ये रिलेटिव है, वैल्यू रख दिया तो एब्सोल्यूट मास निकल गया। जब आयनिक वेट निकाल चुके तो हम निकालते हैं, बताते हैं इसमें कि ग्राम आयन या ग्राम आयनिक वेट क्या है। ग्राम आयन और ग्राम आयनिक वेट या मास, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे GIW। जिस तरह ग्राम मॉलिक्यूल हमको डिफाइन किए निकाले, उसी तरह इसको भी निकाला जाएगा। तो व्हेन
आयनिक वेट। एज रिटेन इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन और ग्राम आयनिक वेट। आयनिक वेट ऑफ SO4 टू माइनस, ये सल्फेट आयन है, आयनिक वेट इसका आता है 96। आयनिक वेट है। अगर इसे हम ग्राम में लिखेंगे, आयनिक वेट को किस में लिखना है, ग्राम में, तो 96 ग्राम ये नंबर है, हमने ये वेट हो गया। तो इसे 1 ग्राम आयन ऑफ CO3 टू माइनस या GIW ऑफ CO3 टू माइनस आयन, तो ये 96 ग्राम को हम बोलेंगे 1 ग्राम आयन ऑफ CO3 टू माइनस या ग्राम आयनिक वेट ऑफ CO3 टू माइनस आयन, ये 96 ग्राम। 2 ग्राम आयन ऑफ CO3 टू माइनस ये हो जाएगा, डबल हम कर देंगे तो 96 × 2 ग्राम, तो 1 ग्राम आयन 96 है, तो 2 ग्राम कितना हो जाएगा, 96 × 2 ग्राम। तो इस तरह इस पर जो है एक फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे हम निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ये है वेट ऑफ आयन इन ग्राम बाय आयनिक वेट इन ग्राम। वेट ले, आयन का वेट यहाँ रखते हैं और आयनिक वेट बताए, तो इसमें हम बताए हैं आपको तरीका निकालने का, तो आयनिक वेट निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं, ग्राम में रख देते हैं, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकल जाता है। सॉरी, ये नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम आयन निकालेंगे वेट ऑफ आयन इन ग्राम गिवेन बाय आयनिक वेट ऑफ, आयनिक वेट इन ग्राम। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फैक्ट, जैसे आयनिक वेट CO3 टू माइनस का होता है 60, जिसको हमने ग्राम में लिख दिया, तो 1 ग्राम आयन हो, इसको कहते हैं 1 ग्राम आयन, यानी 60 ग्राम जो है, 60 ग्राम अगर कार्बोनेट अगर ले लेते हैं तो होता है 1 ग्राम आयन। अगर हम जो है 120 ग्राम कार्बोनेट आयन ले लेंगे तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ग्राम इंटू 1 ग्राम आयन अब बाई इसे डिवाइड कर 60 ग्राम, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम आयन, तो यानी नंबर ऑफ ग्राम आयन कितना हो गया, 2। तो इस तरह नंबर ऑफ ग्राम आयन यहाँ 2 आ गया, तो ये यहाँ पर वेट दिया है 120, आयनिक वेट होता है 60, हम रख देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम आयन कितना आ जाएगा, 2। इसी से ये फॉर्मूला बनाया जाता है।
इस पर क्वेश्चन बताते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम आयन इन, फिफ्टी फोर ग्राम एल थ्री प्लस, अब बी जो हुआ तीस ग्राम सी ओ थ्री टू माइनस। तो इसका वेट दिया है आयन का, हम इसका आयनिक वेट निकल जाता है, वेट दिया है आयनिक वेट निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम आयन निकल जाएगा। ये को सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम आयन वेट ऑफ, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं वेट ऑफ एल थ्री प्लस आयन इन ग्राम बाय आयनिक वेट ऑफ एल थ्री प्लस इन ग्राम, इसमें रख देते हैं। तो वेट है अल्युमिनियम आयन का, वेट है 54 ग्राम, आयनिक वेट होता है अल्युमिनियम का 27 ग्राम रख देंगे ग्राम, ये आ जाएगा दो आ जाएगा। बी नंबर ऑफ ग्राम आयन कार्बोनेट में, कार्बोनेट का वेट दिया है, कार्बोनेट आयन का वेट दिया है 30, तो वेट हमने लिया 30 ग्राम, और इसका आयनिक वेट होता है 60, तो 60 ग्राम ये हो गया हाफ यानी 0.5। तो नंबर ऑफ ग्राम आयन 30 ग्राम कार्बोनेट आयन में 0.5 होगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।